छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ बाबा। जिनको दुनिया से रिश्तेदारी निभानी है वो छोड़ दे। अमित तिवारी मेरे साथ मिलकर एक दूसरे व्यक्ति को बोले, लेकिन हम सारे क्या बोल रहे हैं, काटे नहीं कभी के ये दिन मेरा। आज ये भजन कर रहे हैं, कल इनके बच्चे ही आइए साइकिल खेले तब भी खेलने वाला। आवाज धाड़ कर बोलो यार, लगे शेरों वाली आवाज। जो राम का नहीं वो किसी राम वाले कौन कौन है, जरा हाथ उठाना एक बार सीधे सीधे। और टिंकू भैया हाथ उठाकर रखकर डाली, जो मूर्तों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। टीवी पर आते थे बोलते थे रामचंद्र कहते हैं सीमा से ऐसा एक दिन आएगा, रामचंद्र कहते हैं सीमा से एक दिन ऐसा आएगा। कैसा दिन आएगा बताएं? ये पीले कुर्ते वाले जरा हाथ उठा लो एक बार, पीले कुर्ते वाले, पीले वाले, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है क्या इनको? उठाओ उठाओ, हाँ पीले कुर्ते वाले और कहाँ है? और जो पीले कुर्ते वालों के साथ है वो भी हाथ उठा लो, सारे मिलकर कहो क्या? बुलडोजर वाले बाबा से आते आगे से काम करना। जब किसी को आशीर्वाद देना और किसी को भी सम्मानित करना तो ये जो गमछा ये भगवा कलर का होना चाहिए। क्या बात है, जोरदार ताली, मजा तभी आएगा, जोरदार। क्यों सुनो सुनो, वो माइक माइक आपके काम का है कन्हैया मित्तल जी, उन्होंने पता क्या गाया? जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। भारत में हम फिर से, भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे। डबल में चलो, डबल में, एक मिनट एक मिनट। उन्होंने एक लाइन गई
दी, पता कौन सा? काशी भी सजाई है, अयोध्या भी सजाई है, काशी भी सजाई है और अयोध्या भी सजाई है, लेकिन मोदी जी के बस का काम नहीं है मथुरा थोड़ा सजाना। मामला दूसरा है, मथुरा कौन सजाएगा पता है? किसको किसको पता, हम उठाकर बताइए जरा, हमको लगे रेउसा वाले जानकार। कौन सजाएगा मथुरा? एक मिनट, कौन सजाएगा? पूरा नाम लीजिए, योगी आदित्यनाथ बाबा जी। श्री कृष्ण जन्म भूमि, श्री कृष्ण जन्म भूमि का फैसला किस दिन ही आ जाएगा, कृष्ण जन्म भूमि का फैसला किस दिन ही आ जाएगा, पता किस दिन आएगा? जब बुलडोजर पर बैठ माता दिल्ली भाई। कौन कौन जाता है कि थोड़ा भी सच जाए? इधर वाले नहीं चढ़ते, दोनों हाथ उठाए, आप उठा ले दोनों हाथ, आप हाँ हाथ बांध के वही बैठते जिस संकट गायब हो जाता है। दोनों हाथ भाई एक बार जाते हैं मथुरा सच जाए। मेरे श्याम कृपा कर दो, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। अरे मेरी ही आए थे, अरे मेरी ही आएंगे, उठाइए जरा जो बनारस गए जो जाना चाहते हैं वो भी हाथ उठाओ। अरविंद हो गया ओ भैया, हम के बनारस किसको किसको आनंद आ रहा है सच्ची बताइएगा। देखिए हमारा ये तरीका है, सबसे पहले सनातन धर्म की बात हो, क्योंकि धर्म की बात करना जरूरी है। तो कितने लोग बागेश्वर बाबा को मानते हैं वो एक बार बोलिए बागेश्वर महाराज की। उसके बाद भोलेनाथ की बात हुई, अब चल रहे हैं बाबा श्याम के दरबार। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? जिनको आनंद आ रहा है ये बैठ जाए, बैठ जाइए। अरे सड़िए खराब हुए सुधरे धो लिया निर्मा सर, बैठा बैठो भाई बैठा, पीछे वाले भी बैठ जाओ। अच्छा एक बार ताली बजाकर बताओ, अंजलि जी ने सही सिक्का चुना था या गड़बड़ है? ताली बजाकर बताइए, ताली कमजोर है महाराज, अभी हमको लग रहा है काम महाकाल की बोला।
बहनों के लिए एक बार, जो व्रत रहती है वो हाथ उठाएं। भोले बाबा से कहती है बाबा पति अच्छा मिले, लेकिन प्रयास करिएगा आप जैसा न मिले, पता चले कहीं पर भरत में छोड़ा है। क्या भोले की भक्ति का एक ही है फायदा, भोले की भक्ति का एक ही है फायदा। जितनी देर मैं गाऊं साउंड वाले भैया सेल रोड है, साउंड ना छोड़े वहां सप्लाई छोड़ दिया, फिर से करिए। और यहाँ बस प्यार पाऊंगा, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाहर से हुआया। अगली लाइन अच्छी लगेगी तो ताली बजाकर आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन पहले सुनिए। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मैं बाहर से हुआया, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और घर मौसी के आया हूँ। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और घर मौसी के आया हूँ। और आया क्यों पता है? क्यों? मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी मीरा दीवानी थी कभी कबीरा दीवाना है। मुझे सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, और जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। इसीलिए भोले की भक्ति का एक ही है कायदा, और इसमें तो मैंने बस फायदा ही फायदा। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की, और बिगड़ बना दी तूने मेरे नाम की। महाकाल की गुलामी में, महाकाल की गुलामी, महाकाल की। यार हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आवाज कम है? आप लोग एक बार ट्राई करिए, हम मैं कुर्तक नहीं डरबा है, पैसा तो देबे करिए। अंजलि मौर्य गवा। महाकाल की गुलामी मेरी, महिलाओं क्या केवल महिलाओं को गाना है? महाकाल की गुलामी मेरी, अब आप गाइए। महाकाल की गुलामी मेरी, आवाज बढ़ गई कंपटीशन में, देखिए। खच खच हमारा तरुआख पियर फराक वाली, सब कुछ गा सकता हूँ। तेरे वास्ते रहने दीजिए, वहां अलग मामला पहुंच जाएगा। गाइए। महाकाल की गुलामी बैठिए बैठिए। भोले बाबा का भजन चल रहा है, कई रास्ते में कोई मिल जाएगा, जाएंगी तो बैठिए। हाँ मुझे मारना ही इंस्टाग्राम चलाता है, इंस्टाग्राम वाले हाथ उठाओ एक बार। ये वीडियो मोबाइल में हो तो बनाना, मुझे टैग करना पंडित रोहित शर्मा ऑफिशियल, स्टोरी लगाकर मैं शेयर करूंगा ये लाइन। आओ मेरे फूलों की दुकान मेरे
क्या नाम है भैया? जो इतने बार मुझे आशीर्वाद दे रहा है, बाकी सब ढेर है, क्या रे सवाल है? मेरे उज्जैन के महाकाल, भोले बाबा वाला चैप्टर समाप्त होने चल रहा है श्याम बाबा की तरफ। कौन कौन चलेगा श्याम बाबा के दरबार खाटू बजरी अपने कष्टों को मिटाने के लिए? राहत खराब अमर आओ मगर कम बदम बगर कम बदम कौन कौन गा सकता है भोले बाबा का नाम? एक बार जरा रोसा वालों हाथ उठाना और केवल एक पवित्र लाइन अपने श्रीमुख से जपना। सावन का महीना आने वाला है, उठाकर और सारे मिलकर के नचाओ। खाटू वाला सेठों का सेठ ये है सेठों का सेठ। कौन कौन किसने ये भजन सुना है? किसने सुना है? अच्छा आधे लोगों ने नहीं सुना, बड़ी समस्या है। आओ सुनो। हारा हूँ बाबा सकते मेरे साथ, ये मेरे लिए नहीं है, आप सारे लोगों के लिए मेरी प्रार्थना बाबा से, सारे मिलकर गाओ। हारा हूँ बाबा पर और जीतूंगा एक दिन, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा, और जीतूंगा एक दिन। हारा हूँ बाबा पर और जीतूंगा एक दिन, सारे मिलकर मेरे साथ गए क्या?